टोंक में थर्ड ग्रेड परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 3 बजे शुरू होने वाला पेपर आखिर 5:30 बजे शुरू हुआ। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर विवेक कॉलेज परीक्षा सेंटर पर 600 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन 2 बंडल कम आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। अभ्यर्थी पेपर रद्द करने की मांग करने लगे। जिला प्रशासन में मचे हड़कंप के बाद SP और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों से समझाइश की। जब अभ्यर्थी नहीं माने तो डरा धमका कर चाय, केले और बिस्किट खिलाकर सभी 600 अभ्यर्थियों को 5:30 बजे से 8 बजे तक पेपर कराया गया। अभ्यर्थियों के लिए खाने के पैकेट मंगवाए, अभ्यर्थियों को घर तक छुड़ाने के लिए आश्वासन दिया। 8 बजे परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अभ्यर्थियों ने पुलिस पर मारपीट करने, हंगामा करने पर केस दर्ज करने का डर दिखाने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल था कि जब 2 घंटे पेपर बाद पहुंचा है तो आखिर 2 घंटे पेपर थे ही कहां। नवभारत समाचार टोंक राजस्थान से केशवराज सेन की रिपोर्ट। किस तरीके का पूरा सिनेरियो रहा, क्या कोशिश है? यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू आया था कि बोर्ड की तरफ से जो पेपर आए थे तो पेपर कम आ गए थे, तो जब हमारे जो इन्विजिलेटर्स थे, जो केंद्राधीक्षक थे, उन्होंने जब पेपर खोले तो उसमें कुछ पेपर कम निकले, तो तुरंत हम लोगों ने दूसरे सेंटर से जहाँ पर पेपर अवेलेबल थे तुरंत हमने मंगवाए। मात्र 15 या 20 मिनट का कुछ डिले हुआ था। सारे बच्चों को समझा दिया गया था कि जितना लेट पेपर शुरू होता है, अगर 10 मिनट लेट शुरू होगा, 15 मिनट होगा, जितनी देर भी लेट शुरू होगा पूरे 2.5 घंटे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिद कर रहे थे कि पेपर को रद्द किया जाए। तो मैं और SP साहब तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने समझाइश करी और समझाइश करने के बाद हम लोगों ने 5 बजे पेपर को शुरू करवा दिया। तो पेपर जो है 5 से 7:30 चलेगा। चेयरमैन साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 घंटे पूरे मिलने चाहिए। उसके अलावा जो कुछ लोगों के हम यहाँ से उनको वापस छुड़वाने की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, तो हमने रोडवेज की और प्राइवेट बसेस मंगवा ली हैं और हम सारे लोगों को जो गांव में जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, उनको ड्रॉप करवा देंगे। फूड पैकेट्स वगैरह की भी व्यवस्था करवा रहे हैं, मेडिकल टीम वगैरह सब मौजूद हैं, तो कोई अभी मौके पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लगातार 2 घंटे प्रशासन ने समझाइश की, आपने खुद अभ्यर्थियों से बातचीत की, किस तरीके का एक वर्कआउट रहा? काफ़ी देर में अभ्यर्थी माने, काफ़ी देर में अभ्यर्थी माने। मैंने और SP साहब ने काफ़ी देर तक समझाइश करी। कुछ अभ्यर्थी इसी जिद पर अड़े हुए थे कि पेपर को रद्द किया जाए, तो हमने उनको समझाया कि ये संभव नहीं है, समय उनको पूरा दिया जाएगा, पेपर किसी का भी ख़राब नहीं होने देंगे। और लगभग सारे ही अभ्यर्थी मान गए हैं और अभी 600 के 600 अभ्यर्थी जो हैं, उसमें से जितने भी उपस्थित हुए सारे के सारे पेपर दे रहे हैं। कुछ लोग आउटसाइडर्स थे, उनके द्वारा वीडियो बनाए गए या अफवाहें चल रही हैं कि पेपर लीक हो गया है, उन पर किस तरीके के पेपर? किसी भी टाइप से लीक नहीं हुआ है, ये बिल्कुल बेकार की अफवाहें हैं। कुछ लीक नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की अफवाह है। हमने खुद चेक किया था, एक पेपर भी नहीं खुला था डिस्ट्रीब्यूट होते समय। अभ्यर्थियों को बाहर भी नहीं जाने दिया था? सारे अभ्यर्थी यहीं मौजूद थे, उनको किसी को बाहर नहीं जाने दिया हमने, क्योंकि बाहर जाने से फिर अफवाहें फैलती हैं। तो सारे अभ्यर्थी यहीं पर थे और समझाइश के बाद सारे के सारे अभ्यर्थी एग्री हो गए हैं, सबके सब पेपर दे रहे हैं। अब कितने बजे पेपर शुरू हुआ है? पेपर 5 बजे शुरू हुआ है और 7:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थी 15 मिनट लेट गए थे पेपर में, तो वो फिर उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, सबको 2.5 घंटे का टाइम पूरा मिलेगा। 600 का यहाँ पर सेंटर है। अटेंडेंस एक बार मुझे देखनी पड़ेगी कितनी थी अटेंडेंस। खाने पीने का इंतजाम सब प्रशासन की सब प्रशासन करवा रहा है। वैसे नहीं करवाना होता है, लेकिन क्योंकि ये जिद पे अड़ गए थे और उन्होंने 1.5 घंटा इस टाइप से हमें समझाइश करने में लग गया, पेपर लेट शुरू हो रहा है, तो सबके हम खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, चाय की व्यवस्था करवा रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह सब कुछ आ गया है और अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेट हुआ कहने का लेकुना था, उसकी जाँच की जाएगी, उसका हम एक बार रिपोर्ट बनवा रहे हैं, वो दिखवा रहे हैं। थैंक यू। अनियमितता के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि पेपर टाइम पे नहीं आया और हमें 1/2 घंटे बाद पेपर मिला और ये न्यूज़ मिली कि पेपर पूरे नहीं आए हैं, जबकि बात सही नहीं थी, पेपर आए ही नहीं थे। और एक लेडी जो 2:30 बजे आई थी उसको 1 मिनट के देरी की वजह से बाहर निकाल दिया गया, ये गलत बात है, क्योंकि जो प्रशासन में है और जो पद पे है उनको ही इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो लापरवाहियां करें और लापरवाहियों का फिर पूरा भरण हम लोगों से, हम अभ्यर्थियों से कराएं। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ज़बरदस्ती पेपर में के लिए मजबूर किया गया और बिठाया गया। वो अभ्यर्थी रोकी गई है लेकिन उसकी भावना किसी ने नहीं सुनी, मतलब उसका समय इम्पोर्टेंस नहीं रखता है और प्रशासन वालों का और पद वालों का समय इम्पोर्टेंस रखता है। ये गलत बात है, क्योंकि हर इंसान का समय कीमती होता है और आप किसी को अपनी लापरवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम ये मांग करते हैं कि प्रशासन को समय पर सचेत रहना चाहिए और पूरी परीक्षाओं को पूर्ण टाइम से और पूर्ण प्रायोजक तरीके से करवाना चाहिए। राजस्थान में जोधपुर के जिले के अंदर पेपर आउट हुआ था, उसको सरकार ने तुरंत 2 घंटे बाद उसे दबा दिया। आज यहाँ पर ऐसी घटना हुई कि राजस्थान में घटना पहली बार हुई है, छात्रों का पेपर आउट, 2 घंटे लेट पेपर मिला, उसके बाद जबरदस्ती लाठी के दम के ऊपर उनको वापस क्लासरूम में बिठा दिया गया। जिसने विरोध किया उसके महिला तक उन्होंने छोड़ा,
जो बालिकाएं थी उनको दबा के बिठा दिया, जो विरोध करे उनको बाहर निकालने की धमकी दे दी। आखिर अपने भविष्य के कारण उनको झुकना पड़ा और आज दो घंटे तक बाद में इस टाइम पे रात 8 बज चुके हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल फेल है। यहाँ पर जिस हिसाब से आए दिन घटना घट रही है और आज जो घटना घटी है, पेपर दो घंटे पेपर लेट मिला, इससे ये साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार पेपर रेट के पेपर में फेल है। प्रशासन का क्या रवैया रहा है? प्रशासन का ऐसा रवैया रहा है, जो भी विद्यार्थियों ने विरोध किया कि हमें पेपर लेट क्यों मिला, उनको लाठी के दम पर दबाया गया और जबरदस्ती उनको लालच देकर भाई तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, उनको परीक्षा केंद्र में बिठाया गया। अब क्या मांग करती है बीजेपी किस तरह से? हमारा 4 तारीख को युवा मोर्चा का बीजेपी का प्रदेश भर में बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित रहने वाला है और हम ये मांग करते हैं कि पेपर दे के आए, पेपर 45 मिनट बाद मिला था। प्रत्येक आदमी की, जो भी जिन लोगों ने बात रखने की कोशिश की है, उनको जबरदस्ती दबाया गया। लास्ट में अंतिम में पुलिस प्रशासन ने, जो कलेक्टर महोदय से उम्मीद थी कि वो सबसे बढ़िया एक्शन लेती है, आते ही उन्होंने भी ऊपर ले दबाव से, सरकार के दबाव से, किसी अन्य कारण से कैसे किया, पर दबाव के कारण 5:40 पर हमें पेपर दिलाने के लिए जबरदस्ती कर दी गई और कहा गया कि अगर पेपर नहीं देते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप गाड़ी में बैठ जाओ। कई लोगों से, यहाँ ऐसे लोग भी हैं, इनसे गाली गलौज भी की गई, किसी का स्पष्ट नाम नहीं लिया जाएगा, पुलिस वालों के द्वारा गाली गलौज की जाए। पहले ऐसा हम लोगों को प्रशासन द्वारा खूब अच्छे से आश्वासन दिया गया, शांतिपूर्वक कोई आंदोलन, किसी बच्चे ने आंदोलन नहीं किया, ऐसा चला करके कि आंदोलन किया जाए। 45 मिनट लेट पेपर होने के बाद सब लोगों ने एक हाथ जोड़ के विनती की कि हमारे जो आप पेपर लेना चाह रहे हो, ये पेपर ना लेकर के इससे स्पष्टीकरण किया जाए, सीबीआई से जांच की जाए। कारण क्या था? पता नहीं, लेट होने का कारण इनके द्वारा ये बताया गया, हमारे पास वहाँ पेपर निकल गया, पेपर कई रूम नंबर 20 में जैसे स्पष्टीकरण हुआ, जिसमें कई लोग ऐसे थे रूम नंबर 20 में जाकर के वहाँ उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पेपर खुल गया था, लेकिन ये जांच नहीं करवाई, इसके बावजूद इनका कहा कि आप पेपर दो, जांच करवाई जाएगी। और हमारी सरकार से निवेदन है, हमारी सरकार से निवेदन है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, स्पष्ट किया जाए और पेपर को पूर्णतः उसके जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है उनके खिलाफ सख्त। बाद में इतनी बड़ी, मेरा नाम योगेंद्र चौधरी है, 5 साल के बाद में इतनी बड़ी बढ़ती हुई है, उसके बावजूद भी दो गट्ठे पेपरों के सेंटर पे आके नहीं पहुंचे। और जब हमने इसका विरोध किया तो वो बोलते हैं कि साहब भूल गए, अरे 10वीं का एग्जाम होता है उसके भी पेपरों को नहीं भूला जाता सेंटर पे। वो गट्ठे यहाँ पर आधे एक घंटे बाद में आए, जब हमने विरोध किया तो यहाँ पर पुलिस फोर्स बुला ली गई, हमें धमकाया गया, लाठीचार्ज की वो की गई, आंसू गैस के गोले चलाए थे लोग, मतलब जबरन पेपर दिलवाया गया भाई साहब। और फिर ये केड़ेर बिस्कुट दिए ताकि हमारा जो विद्यार्थियों का संगठन है वो शांत हो जाए, और हमें अंदर चाय तक पिलाई इन लोगों ने। क्या मांग करते हो? सर हम मांग ये करते हैं कि इसकी जांच की जाए, ये पेपर रद्द हुआ जाए, क्योंकि एक घंटे तक जब पेपर बाहर था तो वो पेपर अवश्य आउट हुआ है, उसको लोगों ने निकाल के टिपाई करवाई है। इसकी कमी रही क्या? साहब ये प्रशासन की कमी रही है, ये कलेक्टर महोदय और ये यहाँ के जो भी पुलिस अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनकी कमी है। और सख्त तौर पर इसकी मैं तो कठोर निंदा करता हूँ, अशोक गहलोत जी को तो इस्तीफा दे देना। हुआ था हमारा लेवल भी अच्छा था पेपर का, पर हमें 5:05 पे पेपर दिया गया था, इसलिए इसमें प्रशासन की कमी है कि पेपर लेट आया था। हिंदी का राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार परीक्षाएं, ये प्रतियोगिता परीक्षाएं सही तरीके से करा नहीं पा रही है, उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मेरे टोंक जिले में विवेक महाविद्यालय में आज देखने में आया। जिस प्रकार लगभग 600 बच्चों को यहाँ परीक्षा देनी थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों और सरकार के कारण पूरे प्रश्न पत्र यहाँ नहीं पहुँच पाए, जिससे बच्चों में बहुत रोष हुआ, उन लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार का फेलियर यदि हम माने, आज तक के इतिहास में हमने ऐसा नहीं सुना कि 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हिंदी लेवल सेकंड का जो पेपर था वो अब ये 5:30 बजे दोबारा उसी पेपर के साथ उन्हीं बच्चों की दोबारा परीक्षा ले रहे हैं। यानी कि जहां पूरे राजस्थान में 5:30 बजे पेपर समाप्त हो गया, मेरे टोंक जिले में 5:30 बजे पेपर शुरू हुआ है।
यहाँ पर शुरुआत में बहुत परेशान किया है इस कॉलेज वालों ने। हमारा पेपर कम से कम आधा घंटा लेट हो रहा था, पर फिर भी इन्होंने नहीं दिया और हम कम से कम लगभग 5 बजे हमारे वापस बिठे हैं। हमें बहुत परेशान किए हैं, इस कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए। क्या मांग करते हो? इस कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए। इन्होंने यही पता नहीं कि पेपर कैसे बांटते हैं, कैसे देते हैं बच्चे, बहुत परेशान किया सर। जिला प्रशासन का क्या रवैया? जिला प्रशासन भी कॉलेज की तरफ ही था, हमारी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की। धन्यवाद। पेपर देख के आए हैं, पेपर 45 मिनट बाद मिला था। प्रत्येक आदमी की जो भी जिस लोगों ने बात रखने की कोशिश की है उनको जबरदस्ती दबाया गया। लास्ट में अंतिम में पुलिस प्रशासन ने जो कलेक्टर महोदय से उम्मीद थी कि वो सबसे बढ़िया एक्शन लेती है, आते ही उन्होंने भी ऊपर ले दबाव से, सरकार के दबाव से, किसी अन्य कारण से कैसे किया, पर दबाव के कारण 5:40 पर हमें पेपर दिलाने के लिए जबरदस्ती कर दी गई और कहा गया कि अगर पेपर नहीं देते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप गाड़ी में बैठ जाओ। कई लोगों से यहाँ ऐसे लोग भी हैं, इनसे गाली गलौज भी की गई, किसी का स्पष्ट नाम नहीं लिया जाएगा। पुलिस वालों के द्वारा गाली गलौज की जाए, पहले ऐसा हम लोगों को प्रशासन द्वारा खूब अच्छे से आश्वासन दिया गया, शांतिपूर्वक कोई आंदोलन किसी बच्चे ने आंदोलन नहीं किया, ऐसा चला करके कि आंदोलन किया जाए। 45 मिनट लेट पेपर होने के बाद सब लोगों ने एक हाथ जोड़ के विनती की कि हमारे जो आप पेपर लेना चाह रहे हो ये पेपर ना लेकर के इससे स्पष्टीकरण किया जाए, सीबीआई से जांच की जाए। कारण क्या था? पता नहीं, लेट होने का कारण इनके द्वारा ये बताया गया, हमारे पास वहाँ पेपर निकल गया, पेपर कई रूम में, रूम नंबर 20 में जैसे स्पष्टीकरण हुआ जिसमें कई लोग ऐसे थे, रूम नंबर 20 में जाकर के वहाँ उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पेपर खुल गया था लेकिन ये जांच नहीं करवाई, इसके बावजूद इनका कहा कि आप पेपर दो, जांच करवाई जाएगी। और हमारी सरकार से निवेदन है, कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, स्पष्ट किया जाए और पेपर को पूर्णतः उसके जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई। अच्छा गया पेपर? क्या था विवाद? लेट हुई है, क्या कारण रहा? अब क्या पता, कोई तो पेपर आउट बता रहे, कोई कम आ गए, पेपर कम आ गए से बता रहे। कितने बजे शुरू हुई और कितना टाइम दिया गया? वही पूरा टाइम दिया गया है, 5:15 तक। आधे बच्चों के पेपर पहले हो गए थे क्या? नहीं, किसी इसी में तो नहीं हुआ था किसी का। किस तरह से शिकायत थी, समस्या है, किस तरह फोटो है, पेपर आउट हो रहा है, आज परिजन परेशान हो रहे हैं।